असलम भाई, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों, हम आज को इसको एडिट करने वाले हैं। तो इसको एडिट किस तरह करेंगे आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड कर लेते हैं को वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड, टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने सिलेक्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस आपने उसके नोज पर क्लिक कर देना है। नोज पर क्लिक करने के बाद इसको डी इंक्रीज करें, छोटा कर लें, जूम आउट कर दें और यहाँ पर लाइट दे दें थोड़ी सी। लाइट देने के बाद गाइस इसका मत्था जो है ना, इस पर क्लिक कर दें। अब इधर लाइट दे दें। इसके बाद हम इसके गले पर देंगे दोस्तों, यहाँ पर गर्दन पर। यहाँ पर लाइट दे दी मैंने, तकरीबन काफी है। इतना करने के बाद गाइस दोबारा फिर टूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें। ओके, इतना करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, सिंपली आपने शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने इसे, मैं आपको बताता हूँ जिसमें इसे ऐड करना है आपने। गाइस गाइस यहाँ पर पिक्स आर्ट आपको मिल जाएगा, आपने वहाँ पर इसे सेंड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं, इफेक्ट पर क्लिक करना है गाइस। सबसे पहले दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपने देना है इसे। इधर पर क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हो प्रोफेशन और फेस, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर जो आपकी इमेज है ये क्लियर हो जाएगी दोस्तों, आपको मूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है आपने, अब सिलेक्ट कर लें, दोबारा फिर इफेक्ट पर क्लिक करें, फिर आ जाए दोस्तों यहाँ पर कलर्स पर। आने के बाद दोस्तों ये सिलेक्ट करें और कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है दोस्तों। आपने यहाँ से एक चॉइस करना है कलर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही बेस्ट कलर लग रहा है मुझे। यहाँ पर इधर पर क्लिक करके आपने क्या करना, बल्कि क्लिक की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड पर क्लिक कर लें बेहतर ही है फिर भी। ओके कर दें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, गाइस यहाँ पर क्लिक करके आपने दोबारा फिर यही काम करना जो मैंने किया आपके सामने। क्लिक करके आपने यहाँ पर बैकग्राउंड को ओनली सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन बैकग्राउंड, ओके ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, अब आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस आपने यहाँ पर आ जाना है। इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस क्या करना है आपने, इसे शेयर टू एयरब्रश पर क्लिक कर देना है यहाँ।
तो हम इसका जो फेस है उसको स्मूथ करेंगे अब दोस्तों। अस्सलाम गाइस, जैसा कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं दोस्तों, हम आज को इसको एडिट करने वाले हैं। तो इसको एडिट किस तरह करेंगे आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड कर लेते हैं इसको वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड, टूल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने सिलेक्शन पर क्लिक करना है। सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस आपने इसके नोज़ पर क्लिक कर देना है। नोज़ पर क्लिक करने के बाद इसको डी इंक्रीज करें, छोटा कर लें, जूम आउट कर दें और यहाँ पर लाइट दे दें थोड़ी सी। लाइट देने के बाद गाइस इसका मत्था जो है ना इस पर क्लिक कर दें। अब इधर लाइट दे दें। इसके बाद हम इसके गले पर देंगे दोस्तों, यहाँ पर गर्दन पर। यहाँ पर लाइट दे दी मैंने, तकरीबन काफ़ी है। इतना करने के बाद गाइस दोबारा फिर टूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, ओके। इतना करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, सिंपली आपने शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने इसे, मैं आपको बताता हूँ जिसमें इसे ऐड करना है आपने गाइस। गाइस यहाँ पर पिक्स आर्ट आपको मिल जाएगा, आपने वहाँ पर इसे सेंड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं, इफेक्ट पर क्लिक करना है गाइस। सबसे पहले दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपने देना है इसे। इधर पर क्लिक करने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हो प्रोफेशन और फेस, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर जो आपकी इमेज है क्लियर हो जाएगी दोस्तों, आपको मूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर क्या करना है आपने, अब सिलेक्ट कर लें, दोबारा फिर इफेक्ट पर क्लिक करें, फिर आ जाएं दोस्तों यहाँ पर कलर्स पर। आने के बाद दोस्तों ये सिलेक्ट करें और कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक चॉइस करना है कलर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही बेस्ट कलर लग रहा है मुझे। यहाँ पर इधर पर क्लिक करके आपने क्या करना है, बल्कि क्लिक की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड पर क्लिक कर लें बेहतर ही है फिर भी। ओके कर दें यहाँ पर, ठीक है।
इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, गाइस यहाँ पर क्लिक करके आपने दोबारा फिर यही काम करना जो मैंने किया आपके सामने। क्लिक करके आपने यहाँ पर बैकग्राउंड को ओनली सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन बैकग्राउंड ओके ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस आपने क्या करना है, अब आपने इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइस आपने यहाँ पर आ जाना है। ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस क्या करना है, आपने इसे शेयर टू एयरब्रश पर क्लिक कर देना है। यहाँ तो हम इसका जो फेस है उसको स्मूथ करेंगे अब दोस्तों।